साल का रहीम कलवा में रहता है। कुछ महीने पहले उसे हाथ धोने की अहमियत नहीं पता थी। घर में हफ्तों तक साबुन नहीं रहा करता था। रहीम अक्सर बीमार भी रहता था। कलवा में रहीम सरीखे और भी कई बच्चे हैं, जिनमें से कई के लिए साबुन आज भी बहुत बड़ी चीज है। घर वालों के पास इतने पैसे ही नहीं कि साबुन के लिए खर्च कर सकें। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का इतना भी गुमान नहीं कि साबुन किसी के लिए इतना बेशकीमती हो सकता है। थोड़े से इस्तेमाल के बाद बचा हुआ साबुन यूं ही फेंक दिया जाता है। इन दो विरोधाभासी हालातों को 25 साल की एरिन ने एक साथ जोड़ के देखा। सामाजिक कार्यकर्ता एरिन जैकेज ने इन बच्चों की जरूरत समझी। मुझे इंडिया वापस इसलिए आना था क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने मुंबई में बहुत ही अच्छा वक्त बिताया था। वापस जाकर मुझे इसका एहसास हुआ और अब मुझे इस मिशन पर काम करना है। एरिन ने कुछ बड़े होटलों से संपर्क किया और वहाँ इस्तेमाल के बाद बचे हुए साबुन को दान देने पर राजी करने के बाद उन्हें रिसाइकल करने की कोशिश की। होटल से जो साबुन छोड़ जाते हैं ग्राहक वहाँ जो आते हैं रहने के लिए, उन साबुनों को कलेक्ट किया जाता है। ऐसे वर्कशॉप्स जो हैं कलवा में, उन्हें यहाँ तक पहुँचाया जाता है और यहाँ पे काम कर रही औरतें उस पूरे साबुन को रिसाइकल करती हैं। हमारे साथ इस वक्त माधुरी जी हैं जो इस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है। माधुरी जी, आप ज़रा हमें बताएं कि कैसे आप इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, कैसे करते हैं? अभी हम लोगों ने पहला उसको 5 kg लिया, फिर उसको वॉश धो दिया। धोने के बाद में उसको ड्राई कर दिया। सुखाने के बाद में हमने उसको स्क्रैपिंग किया। 45 kg चूरा तैयार हो गया है। अभी उसको हम लोग पानी में, ये गोली है और ये गोली पानी में, एक ही गोली पानी में डाल देते हैं। ये गोली जो आप डालते हैं ये किस लिए डालते हैं? जो क्लीन होने के लिए, जो पानी रहता है वो गंदगी रहती है पानी में, तो इसमें क्लीन हो जाता है पानी भी। और एक बार ये आटे की तरह तैयार हो जाए, आटा आटे के तरह तैयार होने के बाद में उसको कम्फेट्स कर देंगे। अभी फिर उसकी बट्टी तैयार हो गई, और बट्टी तैयार होने के बाद में उसके हम लोग काट के वड़ी बना देते। माधुरी जी, कितनी औरतें काम करती हैं इस वर्कशॉप की अगर बात की जाए? हम लोग 3 जने, सुषमा और कंचन, और 3 जने मिलके एक दिन में 45 किलो साबुन तैयार कर लेते हैं। 45 किलो कर देते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जरूरतमंद बच्चों तक यह रिसाइकल किया हुआ साबुन पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यह साबुन उन बच्चों तक पहुंचता है जिन्हें इस साबुन की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्हें जिन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कलवा के इस इलाके में, उनकी टीचर्स द्वारा यह साबुन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे ये यहाँ पे अपने स्कूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। It's been such an honor to do this work. मेरे लिए ये काम करना काफी सम्मान की बात है और मैं इस कहानी के असली हीरो को धन्यवाद देना चाहूंगी। ये औरतें दिन रात वर्कशॉप में साबुन रिसाइकल करती हैं, बच्चों को सफाई से जुड़ी चीजें पढ़ाती हैं, और सभी लोग जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुंबई में काम करके हम बहुत खुश हैं और अब बाकी जगहों पर भी शुरुआत करेंगे। And to bring this work to other areas of India in need. और हाथ धोया धो, खुश हो जाएगा, बराबर। इधर ये क्या है? हाथ नहीं धोया तो क्या होएगा? कलवा में पिछले 5 महीनों से इसी तरह बच्चों को यह साबुन बांटा जा रहा है। मुंबई के लीडिंग जो होटल्स है, हम वहाँ से हम लोग फ्री में हमको मिलता है ये साबुन, और दूसरा हम लोग बच्चों को फ्री में बांटते हैं साबुन, और बच्चों को हम हर महीना ये साबुन देता है फ्री में, यहाँ कलवा का स्लम्स में और शिलोंडा पालघर ईस्ट में, पालघर नॉर्थ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर महीना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हैंड एंड बॉडी हाइजीन ट्रेनिंग के साथ हम लोग ये साबुन देते हैं। तो इस तरह इस सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह साबुन इन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचता है। इस पूरी कहानी के 2 पहलू हैं। पहला कि किस तरह साबुन जैसी बेसिक ज़रूरत का सामान भी हमारे देश में कई बच्चों के पास अभी भी उपलब्ध नहीं है, और दूसरा पहलू है इन बच्चों तक यह साबुन पहुंचाने की कोशिश। लोग होटलों में जिन साबुनों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, उन होटलों से उन साबुनों को इकट्ठा करना, उसे रिसाइकिल कराना और इन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाना, यह पूरी की पूरी सोच और पूरी कोशिश वाकई काबिल तारीफ़ है। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सांत्या रूडी, NETV इंडिया।